मैं साक्षी और मैंने न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। 1 अप्रैल से लागू होंगे ये कुछ नए नियम, बदल जाएगी आपकी जिंदगी। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से कई ऐसे नए नियम लागू होने वाले हैं जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। इन नियमों के जरिए आपको सस्ते घर से लेकर सस्ती बिजली तक का लाभ मिल सकता है। 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बड़ा बदलाव लागू कर सकता है। नए नियम के तहत अब नौकरी बदलने पर आपका PF अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। 1 अप्रैल से रेल यात्रियों को एक नई सुविधा मिलने वाली है। दरअसल भारतीय रेलवे अब संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNRA जारी करेगा। इसका मतलब ये है कि रेल यात्री एक यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करेंगे तो उन्हें संयुक्त PNR मिलेगा, जिसके तहत अभी एक यात्रा के लिए 2 ट्रेन बुक करते हैं तो यात्रियों के नाम पर 2 अलग अलग PNR नंबर जनरेट होते हैं। नए नियम के आने के बाद अब पहले की तुलना में रिफंड मिलना आसान हो जाएगा। 1 अप्रैल से घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए GST की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। इसके तहत निर्माणाधीन मकानों पर 12% से घटाकर 5% और किफायती दरों के घर पर 8 से घटाकर 1% GST करा दिया गया है। इस नियम के लागू होने का फायदा यह होगा कि निर्माणाधीन और किफायती घरों की कीमत पहले के मुकाबले सस्ती हो जाएगी। 1 अप्रैल से होम और ऑटो लोन पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था बदल जाएगी। इस संबंध में बीते दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। बैंक फिलहाल खुद ही तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी घटानी है, लेकिन अप्रैल से बैंक को RBI के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद ब्याज दर घटानी होगी। 1 अप्रैल से आप मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितने बिजली का इस्तेमाल करेंगे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।